हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर्स बनाने सीखे, मल्टीपल फैक्टर्स मल्टीपल्स, देन हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करने सीखे इस चैप्टर में। ओके, यस खुशी। Yes, ma'am. I सुरेंद्र, forgot to. I forgot to. Ma'am, मैं भूल गई थी हैंड लो करना. ओके Okay, ma'am. ओके। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या होता है, आप कॉमन किसी भी दो चीज के नंबर के बीच में लेंगे तो योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी ऑफ द टू नंबर्स, या दो मिनिमम टू नंबर्स होंगे जिनके बीच में आप कॉमन लेंगे, तो जो भी सबसे बड़ा फैक्टर उनमें कॉमन होगा, लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, उसको आप आंसर लेंगे। ठीक है, इन अदर एचसीएफ इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस, HCF अगर आपको 12 और 18 का निकालना है, ओके 12 और 18, तो आप उन दोनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर ट्री से निकाल लीजिए, या डिवीजन से, मैं डिवीजन से बता रही हूँ आपको। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, और 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। आपके 12 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3, 18 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 3, राइट। अब इनमें नंबर्स में कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, राइट। सो HCF विल बी दिस 2 × 3 जो कॉमन नंबर्स हैं, आप सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 विल बी द HCF of 12 and 18। किसी को कोई डाउट इसमें? ऐसे अभी हम लोगों ने देखा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 12 एंड 18 इज 6, सो दिस विल बी द HCF ऑफ 12 एंड 18। यस सूर्याक्ष, मैम, आपने क्या कभी व्हाट मैम आपने अभी क्या कहा? मैंने बोला कि उनका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, तो HCF भी 6 ही होगा। यस अक्षित, मैम, यस मैम, हियर वी हैव सीन 2 एंड 3 आर कॉमन, सो वी विल नॉट मल्टीप्लाई दिस, दैट इज लेफ्ट 3 × 2। नो, वी विल नॉट मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विच आर लेफ्ट ओवर्स, सिर्फ जितने कॉमन नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को करना। मैम, एंड हियर 2 इज 2 टाइम्स एंड 3 इज 2 टाइम्स, सो वी विल टेक देम वन टाइम ओनली। यस, वी विल टेक इट ओनली वंस। ओके मैम, ओके, ओके मैम। नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर फाइंडिंग HCF। ओके, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो अभी मैंने आपको एक मेथड ये बताया है। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज डिवीजन मेथड। तो अभी जिस मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन बताया, दैट वाज योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, उसमें कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमें उसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, अभी हमने उन दोनों नंबर्स के, जो भी दो नंबर्स दिए होंगे हमें ए एंड बी, उन दोनों के अब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको चूज करेंगे। थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप इज एचसीएफ निकालेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद। अंडरस्टूड? जैसे अभी हम लोगों ने वो किया था, मैंने 12 और 18 के आपको निकाल के दिखाए थे फैक्टर्स, ऐसे ही ये क्वेश्चन हो रहे 160, 220 एंड 340। अभी मैंने आपको टू नंबर्स का बताया था, अब आपको ये थ्री नंबर्स के लिए करना है। HCF मेथड आपका सेम रहेगा, तीनों नंबर्स की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लाइक 160। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस।
Yes, Jatin. Everybody else do the prime factorization for 160. Ma'am, अगर उसमें x दिया है, ma'am, अगर 6 से अगर हम उसका prime factor निकालते हैं HCF में, तो 2 into 3 आता है. अगर 3, अगर हम दूसरे किसी कोई भी number का निकालें, तो 3 last में आ रहा है ना, 6 के 6 में जिसका निकाला है हमने, तो उसके अगर वो पहले आ गए तो हम उसको हटा देंगे या फिर उसके पोजीशन पे ही आना चाहिए लास्ट में. ऐसा नहीं, आप आगे पीछे उन नंबर्स को लिख सकते हैं, लेकिन वो नंबर दोनों में कॉमन होना चाहिए. अभी हम एक और ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट. यस ऋषभ, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी टर्न योर वीडियो ऑन जिस जिसकी भी वीडियो ऑफ है. ये 160 हमको एलसीएम के बाद निकालना है और या एचसीएफ का? सिर्फ आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. ओ ठीक है. ओके यस, you all are giving the right answers, very good all of you. Nikhil, Akshay, Abhiraj, Arav, yes, everybody is giving the right answers. Yes Rashi, next Nan, you all do for 220. Ma'am, jo apne ma'am karwaya tha ma'am, aise ma'am ye aise nahi ho sakta ma'am. Kaise बच्चे ऐसे नहीं दिखता मुझे, आप बता दीजिए आपने क्या किया. मैम जैसे आपने मैम ऊपर नीचे मैम करा था मैम, हमने साइड ही, आप उसको साइड पे भी कर सकते हैं अगर आपने इधर उधर नंबर्स लिखे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके मैम. ओके यस नीरज, यस 72 का प्राइम नंबर फैक्टर बनेगा, उसका आंसर 144 आएगा, और मैं तो इधर से किया तो 72 ही आएगा ना. ऐसे कैसे आएगा, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तब भी उसका आंसर 72 आएगा मल्टीप्लाई करने पे. मैम देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था 72 की फैक्टराइजेशन, आप देखिए 236 218. मैम देखो 72 33. यू जस्ट चेक इट आउट हेयर नीरज, यू मैच इट आउट हेयर जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर. ओके सो इट इज 2 2 4, 2 8, 3 24, 3 72 मल्टीप्लाइड बाय 1 इन द लास्ट. देर आर 2 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3. हाँ हाँ, तो आप इनको मल्टीप्लाई अच्छे से कीजिए, देयर इज कैलकुलेशन मिस्टेक फ्रॉम योर साइड. 72 ही आएगा आंसर. 202 आपको, यस 72 72 मैंने भी मैम आपको आपको वही बोला मैंने 72 ही चाहता करके. ओके 220 के आपने बोले देना वापस रॉन्ग आंसर है करके चार्ट पे, मैंने चार्ट पे भेजा था. तो बच्चे आपको आंसर ऐसे नहीं निकालना है, वो तो हमें इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ, हमें सिर्फ इतना आंसर लिखना है कि 2 × 2 × 3 × 3, हमें ये आंसर लिखना है. ओके जी. ओके थैंक यू एवरीबॉडी, डन, वेरी गुड दक्ष, योर आंसर इज राइट. यस अनन्या, विराज, all of you, Rishabh, what you have written? 20, 17 for, yes, okay, you have written the whole answer. Okay, let us just check it out once for everybody else. It will be 160, 2 times 80, 2 times 40, 2 times 20, 210, 25, and 51. This will be
210, 255, 511 and 111 will be 2170, 285, 517 and 171. Okay, so now your factors are 160 के factors आपके हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5. 220 के आपके factors हैं 2 into 2 into 5 into 11. और 340 के आपके factors हैं 2 into 2 into 5 into 17. Now एक बार 2 तीनों में common है, you will take this. एक बार और common है, you will all again take this. फिर से 2 किसी में और नहीं है तो आप कुछ नहीं लेंगे, इसको छोड़ दें. 5 common है, yes 5 is common in all 3. So your HCF for this all these 3 numbers will be 2 into 2 into 5. जो common numbers हैं सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे, बाकी जो numbers बच गए उनको हम छोड़ देंगे. तो 2 2 जा 4, 5 जा 20. Your HCF for this question will be 20. This method is called prime factorization. Method for finding HCF. Okay. Yes, खुशी कुमारी. Yes, ma'am. Yes. You raise your hand. Ma'am, आपने ये करवाया. This is not visible, Khushi. Your notebooks are not such visible to me. You can tell me what you have written. Ma'am, I have written 12. Sorry. Yes. Yes, Khushi, please. And then I have written 18 equals to 2 into 3 into 3. Okay. So how we will? 18 so how we have written 2 ma'am, into so 3. So how we will know? To which number we have to circle? Okay. You have written for 12, you have written 2 into 2 into 3. 18, you have written yes, ma'am. 2 into 3 into 3. अब देखो दोनों में कौन सा नंबर आ रहा है. 2 दोनों में आ रहा है तो हम 2 को सर्कल करेंगे. 3 दोनों में आ रहा है तो हम उस 3 को सर्कल करेंगे. ये 2 अकेला है, ये 3 अकेला है तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे. They will be left over. तो आपको आंसर 2:3:6 आ जाएगा. तो मैम बट हम 12 के आगे बस 2 into 2 into 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 12 के फैक्टर्स ही यही हैं. 2 2 जा 4 3 जा 12. हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें सिर्फ. ओके मैम. तो व्हाट वी विल कॉल दिस मेथड? वी विल कॉल प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ. HCF निकालने का ये एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन. एंड व्हाट वी विल कॉल दिस मेथड वी हैव डन फर्स्ट वन. यू आर आस्किंग फॉर 72 व्हिच मेथड वी हैव डन. यस मैम. दिस इज अ सिमिलर मेथड. वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले किया था. अब हम उस मेथड को यूज कर रहे हैं HCF निकालने के लिए. That is the prime factorization method. Yes, Akshat. Yes, ma'am. Ma'am, here for prime factorization, we have taken the numbers 160, 220 and 340. So, ma'am, yes. Let us suppose if in 160, there is not 5 and in 220 and 340, 5 is common. So, we will suppose it is a prime factor. No. अगर दो में कॉमन है और आपके पास टोटल नंबर 3 है तो आप उन दो वाला कॉमन नंबर नहीं लेंगे. जो तीनों में कॉमन होगा आप सिर्फ वही नंबर लेंगे.
ओके मैम. यस नीरज. मैम यस अभी का आंसर नहीं किया आपने. वो अभी क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 36 है. 2 × 3 What are you saying? I'm not getting you. नहीं क्या मैम वो वाला क्वेश्चन दिया था 2 × हाँ वो इच मैम है वाला इच इसका आंसर 36 आया. किसका 12 और 18 का? हाँ 12 और 18 का आपका 36 कैसे आया? मैंने आपको बोला कि सिर्फ आपको कॉमन वाले नंबर्स लेने हैं और इस नंबर को आपको एक ही बार लिखना है जो कॉमन नंबर है. तो 2 × 3 = 6 आएगा आंसर. जो कॉमन नंबर है आपको उसको एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है. समझ आया आपको? नीरज यस यस और नो? यस यस जी. यस राशि. मैम अगर हम 3 digit का मैम वो निकाल रहे हैं एच से और उसमें मैम 2 digit कॉमन है तो मैम हमें ये पता चल जाएगा कि हमने गलत निकाला है, फिर हमें दोबारा से निकालना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ अभी. जैसे हम लोगों ने क्या किया था, 160 था तो अगर हम 160 हमने नंबर लिए थे 160 220 एंड 340 राइट. तो अगर 160 की जगह पे हमारे पास 32 होता ओके तो 32 की हमारी फैक्टराइजेशन क्या होती, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 × 2 220 की हमारी फैक्टराइजेशन क्या थी, 2 × 2 × 5 × 11 और 340 की हमारी फैक्टराइजेशन क्या थी, 2 × 2 × 5 × 17 तो इसमें क्या हो रहा है, अब सिर्फ एक 2 कॉमन है और एक ये वाला 2 कॉमन है राइट. उसके बाद क्या कुछ कॉमन है, अभी 5 2 नंबर्स में कॉमन है लेकिन हम इसको नहीं लेंगे ओके. जो नंबर तीनों में कॉमन होगा हम सिर्फ उसी को लेंगे. तो अब अगर हम इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे 32, 220 एंड 340 तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, 2 × 2 = 4. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.